नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में, मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन 72 आवर्स में। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूँगी, देखूंगी कि वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, और 72 घंटे में उनका कुछ अगर एक्शन होता है उसको भी चेक करेंगे। अंत में देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस। जनरल रीडिंग होगी, हर बात आपके साथ रेजोनेट शायद ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। लेट्स सी, देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्यूरियस देख लेते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देख लेते हैं, क्लैरिफाई करके कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आपकी पर्सन क्यों है। हर चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, काम में, परिवार में, रिश्ते में, पैसे में, जॉब, पैसा, रिश्ता, परिवार। अगर इनके पास दो रिश्ता है तो दोनों रिश्ते में, हर चीज में बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना, इन सोच में ये है। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वंड्स, फोर ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है, जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, बंदा या बंदी एक टू थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिलोंग कर सकता है। आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई और है, या फिर आपके लाइफ में कोई और है, या फिर दोनों शादीशुदा हो सकते हो। ये पर्सन जो है करंटली बहुत ज्यादा रेस्टलेस मूड में है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उतावले हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, डिसीजन क्या होगा, बाद में क्या होगा, इन सोच को ये अभी नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको हमेशा रिश्ते में कमिटमेंट देने से पीछे हटता है, अभी भी यही करेगा 72 आवर्स में। कुछ अगर आप इनको इनसे दूर रह रहे हो, दूरिया मेंटेन कर रहे हो, या फिर ये खुद अपने आप से भी कुछ वक्त तक खुद को दूर रख रहा है, रिश्ते से दूर रखने के बारे में सोच रहा है, रहने के बारे में सोच रहा है, इनका मेन फोकस इनका परिवार रहेगा इन 72 घंटे में। ऐसा नहीं कि आपके साथ रिश्ते में ये रहना नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो तो भी ये अपने परिवार में ज्यादा वक्त देना पसंद करेंगे। हालांकि बहुत अच्छे परिणाम इनको अपने परिवार से नहीं मिलता है, फिर भी ना मिलेगा इन 72 घंटे में, फिर भी इनका जो फोकस रहेगा अपने परिवार में रहेगा। आपसे मिलने की एक बेचैनी उनमें रहेगी, बात करने की, मिलने की, आपको याद करेंगे, बेचैन रहेंगे, खुद दुखी, डिससेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन इनका जो फोकस रहेगा परिवार को बैलेंस रखना, खुश रखना, चाहे अपने अंदर कितने भी दुख हो, परेशानी हो, ये 72 घंटे में इस तरीके से बिहेव करेंगे। हालांकि आपके लिए इनके मन में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उठेगा, फील होगी, अट्रैक्शन फील करेंगे, लेकिन मिलने की कोशिश करना, बात करने की कोशिश करना, ये इनमें आएगा, लेकिन ये कंफ्यूजन की वजह से कि किस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, तो ये अपने परिवार को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। चाहे आप थर्ड पार्टी रिश्ते में हो, चाहे आप ऐसे रिश्ते में हो कि बाद में शादी करोगे, चाहे एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, तो आपको पता ही है कि परिवार इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी रिश्ते में हो या फिर एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में हो, तो हमेशा
इन 72 घंटे में ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे दोनों रिश्ते में। और ज्यादातर ये जो अपना वक्त और जो अपना इमोशन जो अपना एफोर्ट है अपने परिवार को देंगे, चाहे परिवार से उनको उसका सही रिजल्ट ना भी मिले, लेकिन ये ज्यादा एफोर्ट उसमें ही डालेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, एक्यूरियस। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको करंटली देख लेते हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि आप टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों हो। देख लेते हैं एक्यूरियस कि आप टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों हो। कुछ एक्यूरियस ऐसे हैं जो जैसे कि मैंने कहा कि पारिवारिक संबंध के अलावा भी किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो उनको तो उस तरीके का परेशानी जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो परिवार के साथ ज्यादा कनेक्ट रहेंगे 72 घंटे में। पहले मैं कार्ड बता दूं, टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड फोर ऑफ पैंटकल्स के कार्ड के साथ। मुझे जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा पेन में रहोगे, क्योंकि जो लोग पारिवारिक संबंधों में हैं लेकिन फिर भी किसी के साथ दिल के रिश्ते में हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके लिए जो वक्त है वो भी परेशानी में रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन 72 घंटे में आपसे ज्यादा अपने परिवार को इम्पोर्टेंट देंगे। दूसरी बात यह है, आपको क्लैरिटी चाहिए होगी, आपको सोच में क्लैरिटी नहीं होगी कि बंदा या बंदी चाहता क्या है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका एक प्रॉब्लम आपको रहेगा। दूसरी चीज, आप रिकॉन्साइल के बारे में सोचोगे, क्योंकि ये बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, हालांकि ये पहले भी आपके साथ रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, रहता था भी, है भी, आगे भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप रिकॉन्साइल के बारे में सोचोगे, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, बात हो जाए, कम से कम क्लैरिटी मिल जाए, ये क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है। आप हर चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आपको फिनेंशियली मदद करता है तो आपको पैसों की प्रॉब्लम हो सकता है, कि हो सकता है ये आपको इन दिनों पैसा ना दे पाए, इन 72 घंटे में ये पैसा अपने परिवार को भेजे, परिवार में खर्च करे। अगर आप किसी किसी भी रिश्ते में हो, अगर आप इनसे फिनेंशियली जुड़े हुए हो, मदद लेते हो या आपके मदद करते हैं, तो इन 72 घंटे में शायद ये नहीं कर पाए, लेकिन आप अपने जो पैसे हैं उसे भी आप संभालने के बारे में सोचोगे। चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हो रहा है ये सोच के आप परेशान रहोगे, दुखी रहना, परेशान रहना, स्टॉकिंग के एनर्जी में रहोगे, आप अपने पर्सन को स्टॉक करोगे कि सोशल मीडिया में ये किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहा है, कितनी इन्वॉल्व है इन दिनों, इन वक्त, इस वक्त में क्या कर रहा है, क्योंकि आपको तो ये वक्त नहीं दे रहा है, तो इन चीजों में आपका फोकस रहेगा इन 72 घंटे में। साथ ही साथ आप इनकी तरफ से टेक्स्ट कॉल या मैसेज आ जाए इसका भी इंतजार करोगे, यूनिवर्स से प्रेयर भी करोगे कि रिश्ता सही हो जाए, बंदा या बंदी आपकी तरफ चले आए, चीजों को आप अपने अंडर कंट्रोल कर पाओ, इस तरीके का फोकस आपका रहेगा। दोस्ती के बारे में सोचोगे, कम से कम दोस्ती वाला बात तो कर ले, ऐसा आपका सोच रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा।
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो, मतलब एक साथ काम करते हो, एक ही जगह पर दोनों एक साथ बिजनेस करना, एक ही ऑफिस में जॉब करना, तो ऐसा है कि हाँ एक्शन लेंगे आपके पर्सन, डिजिटली आपके साथ कनेक्ट करेंगे। एक्शन के कार्ड मैं देख रही हूँ, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग वन के। जो चीज स्टकनेस में जा रहा था, आप स्टक थे, परेशान थे, रुके हुए थे, तो उनमें एक संभावनाएं दिखाई दे रहा है। बंदा आपके साथ, बंदा या बंदी जो है, डिजिटली कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारी बातें होगी। जिस चीज की क्लैरिटी आपको चाहिए था, जैसा कि कार्ड भी आया है, तो वो क्लैरिटी आपको देंगे और कोशिश करेंगे कि मेहनत करके रिश्ते को भी बैलेंस करें और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बैलेंस करें, क्योंकि कुछ लोग फिनेंशियली मदद भी लेते हो आपके पर्सन से, तो वो उस मदद को देने के लिए खुद का मेहनत जारी रखेंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस करेंगे। कुछ लोग ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बातों को आपके सामने रखेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि आप खुद भी जानते हो, ये भी जानते हैं कि जानबूझ के, मतलब परिस्थिति अनुसार ये खुद को रोक के रखा है, तो वो लोग बहुत कुछ कहेंगे आपसे, ऐसा उम्मीद ना करें। जितना बोलना संभव होगा उतना ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग वर्क प्लेस में एक साथ काम करते हैं, तो वहां बहुत डिस्कशन करना संभव नहीं होता है, तो उतना ही बोलेंगे जितना बोलना मुमकिन होगा। एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो डिजिटली आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप जिनके साथ डील कर रहे हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, एक्वेरियस आप खुद हो फिर भी हो सकता है, एरीज हो सकता है, एरीज लियो, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए 72 घंटे के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 72 घंटे के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है, नई शुरुआत होने जा रही है, फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगा, कुछ नया रास्ता दिखाई जरूर देगा। अगर आप दोस्ती में बिलीव करते हो, दोस्ती से रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको खुद से इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। नए चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, शुरुआत से चीजों को सोचिए, जो खराब चल रहा है या फिर जो हो चुका है उसके बारे में सोच के जो हो सकता है उसे खराब ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।